मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कभी काल ये प्रश्न में पूछा जाता है कि फाइंड द कोस जीरो डिग्री हेल्प बाय द ज्योमेट्री। मान लिया जाए ये राइट एंगल है, ये इसका बेस है, ये भी है हाइपोटेनस, इसको जीरो लाना है। ये जीरो कब होगा? इस हाइपोटेनस को डाउनवर्ड में लाते लाते बी सी बराबर हम लोग ए सी कर डालेंगे, संपाती कर डालेंगे। बी सी बराबर ए सी, हाइपोटेनस और बी सी क्या हो जाए, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। इस दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं यह भी आपका P हो जाएगा और यह भी आपका B हो जाएगा, ये तो खैर BE है। तो मान लिया जाए कोस जीरो का हम वैल्यू लेते हैं, तो कोस आप जीरो लिखिए। कोस जीरो बराबर आधार बटा कर्ण, आधार अपने ओपन कर्ण। तो हम देख रहे हैं कि इसको डाउनवर्ड में लाते लाते यह क्या किया, इसको कवर कर लिया BC को, और AB का वैल्यू आपका जीरो हो गया, परपेंडिकुलर नथिंग हो गया। तो आधार का वैल्यू BC और हाइपोटेनस का वैल्यू AC, दोनों का वैल्यू बराबर है चूंकि AC और BC कॉन्सिडेंट है। तो आप लिख सकते हैं B ओपन B बराबर cos जीरो का वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। अगर आप साइन जीरो लेते हैं, साइन जीरो, तो साइन जीरो बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन जीरो बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका कितना हो गया, चूंकि ये साइलेंट हो गया है, ये जो परपेंडिकुलर है ये साइलेंट हो चुका है, क्योंकि इस दोनों साइड को हमने कॉन्सिडेंट कर चुका है। एसी और बीसी को कवर कर लिया है, उसको ढक लिया है, वह संपाती हो चुका है। तो पी का मान यहाँ जीरो हो जाएगा, तो लंब आपका हो गया जीरो, कर्ण हो गया आपका बी। तो किसी भी संख्या जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका वैल्यू जीरो आता है। तो साइन जीरो बराबर जीरो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी रेशियो का, किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का आप जीरो का वैल्यू इस विधि से निकाल सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।